let us start with chapter 6, molecular basis of inheritance. Now molecular means related to molecule. Molecule word से आप लोग familiar हो. And inheritance, ये word बहुत बार last previous chapter में आया है. Principles of inheritance and variation. ये word जब भी आता है, what it is related to? ये जो inheritance है, ये word related to heredity है. या फिर ये related है genetic material, whatever it is, let us see. तो मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है. मतलब कुछ तो भी मॉलिक्यूल रिलेटेड है किससे, इनहेरिटेंस से है. और हमको पता है दैट मॉलिक्यूल इज डीएनए. लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, एक बेसिक से मैं शुरू करूंगी. सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस. ओके, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस there is genetic material which is called as chromatin network, right? And kabhi ye chromatin network aapko aise dikhega, sometimes you will find it like this, double stranded DNA, right? तो ये जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम क्रोमैटिक नेटवर्क बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल बट दिस इज कॉल्ड एज डीएनए. ये भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल. एंड दिस इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल. वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ शेप चेंज हुआ है. इसका शेप चेंज हुआ है, ये ऐसे था ऐसे बन गया है. हमने देखा है ना कि ये जो डीएनए है वो सुपर कॉइल होता है, सुपर कॉइल होके ऐसे बन जाता है. तो समटाइम्स इनसाइड द सेल यू विल सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रोमैटिन नेटवर्क. बट इट इज जेनेटिक मटेरियल. समटाइम्स यू विल, इफ यू सी दिस, इट इज कॉल्ड एज डीएनए एंड इट इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल. ये और ये एक ही है, सिर्फ इसका शेप अलग बन गया है. ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन. नाउ समटाइम्स यू कैन सी स्ट्रक्चर लाइक दिस. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, सेल डिविजन हो रहा है, तो आपको तो ये दिखेगा. सो व्हाट इज दिस, दीज आर क्रोमोसोम्स, राइट? क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम्स भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि इधर यू से क्रोमैटिन नेटवर्क, डीएनए या फिर क्रोमोसोम, तीनों भी वन एंड द सेम थिंग. दे आर वन थिंग, दे आर ऑल जेनेटिक मटेरियल. सिर्फ शेप चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, शेप एंड फॉर्म चेंज हुआ है. अदरवाइज क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमैटिन नेटवर्क एक ही है. ऑल आर द वन थिंग, ओनली वन थिंग, एक ही है सब, सिर्फ शेप चेंज हुआ है उनका. नाउ कम टू क्रोमोसोम्स. हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं. ओके, सो क्रोमोसोम कंटेन जीन्स, राइट? तो यहाँ पे डीएनए, डीएनए के ऊपर भी जीन्स होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स और डीएनए एक है. और यहाँ पे भी क्रोमैटिन नेटवर्क में भी क्या रहेंगे, जीन्स. ओके, बहुत सारे जीन्स है, 25,000 जीन्स. यहाँ पे भी 25,000 जीन्स, यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं. एंड वन मोर वी थिंग वी स्टडी, कि ये जो जीन्स होते हैं दे आर पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. अब जीन्स पास ऑन हो रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम पास ऑन हो रहा है, मतलब ही डीएनए पास ऑन हो रहा है, मतलब ही क्रोमैटिन नेटवर्क पास ऑन हो रहा है, राइट? सो क्रोमैटिन नेटवर्क, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम या फिर जीन्स बोलो, सो वन एंड द सेम थिंग. ये सारी एक ही चीज है. बट हमने लास्ट चैप्टर में ये स्टडी किया है कि दिस क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो जीन्स होते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं. इसलिए जैसे मदर से कोई जीन है, वो ये जीन हमारे बॉडी में पास हुआ तो मदर का फीचर हमको मिल जाता है. तो हमने देखा कि जीन्स की वजह से
passed on from one generation to another generation. और उसकी वजह से मदर एंड फादर के फीचर्स बच्चों को मिलते हैं, राइट? सो जीन जेनेटिक मटेरियल है, सब जेनेटिक मटेरियल है. नाउ एक कंफ्यूजन था, इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है. डीएनए बोलो या फिर ये क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं या फिर जीन्स पास ऑन होते हैं, ऐसे बोलो. तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है. दैट इज द रीजन कि नेक्स्ट जनरेशन, ओल्ड जनरेशन के फीचर्स कुछ नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, क्योंकि ये वाली चीज पास ऑन होती है, राइट? ये क्लियर हो गया था. बट स्टिल इन 1900 देर वॉज कंफ्यूजन. कंफ्यूजन ये था कि सपोज ये कंसिडर करो कि मेंडल ने बोला कि जीन पास ऑन होते, मतलब डीएनए, ये जो डीएनए है ये पेरेंट का डीएनए है, ये बच्चों में पास ऑन होता है, इसीलिए बच्चों में पेरेंट्स के फीचर आते हैं, ये हमको बताएं. बट वॉट हैपन कि ये डीएनए के आजू बाजू में ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स. तो साइंटिस्ट लोगों को एक कंफ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए है कि प्रोटीन है, क्योंकि जैसे डीएनए पास ऑन होता है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके साथ ये प्रोटीन्स भी जाते हैं. एंड डीएनए स्मॉल है और प्रोटीन बड़े हैं. तो साइंटिस्ट लोगों को एक कंफ्यूजन था कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना यही जेनेटिक मटेरियल होगा, ये डीएनए तो उसके साथ पास ऑन हो जाता होगा. थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि पास ऑन तो दोनों भी हो रहे हैं, डीएनए भी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है एंड प्रोटीन भी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है. तो दोनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन से है? और साइंटिस्ट लोगों को ये भरोसा था कि प्रोटीन ही हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है और डीएनए स्मॉल मॉलिक्यूल है. ऑल्दो मेंडल ने बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट स्टिल देयर वाज कंफ्यूजन. और साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो कंफ्यूजन जो है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कोई थियरी नहीं देते, उसके लिए चाहे कितना भी रिसर्च करना पड़े. एज लॉन्ग एज एक कोई चीज बहुत अच्छे से क्लियर स्पेसिफाइड बोल्ड स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रखते हैं, तो प्रोटीन है कि डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है. हमने तो पढ़ा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट साइंटिस्ट लोगों को ये रूल आउट करना था कि इसके बाजू में जो प्रोटीन्स होते हैं कहीं वो तो नहीं है. तो ऐसा ना हो कि हम बोलेंगे डीएनए है और जेनेटिक मटेरियल बाद में पता चला कि प्रोटीन था और साइंटिस्ट की डिस्कवरी जो है वो गलत साबित हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो गया, क्लियर हो गया कि डीएनए पास ऑन होता है कि प्रोटीन पास ऑन होता है. उसने क्लियर कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है कि प्रोटीन है. दैट वी विल सी नाउ. सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जहां पे भी वर्ड आएगा दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल, मतलब आप उसको क्रोमैटिन नेटवर्क बोलो, डीएनए बोलो, क्रोमोसोम्स बोलो, जीन्स बोलो, इस सब से रिलेटेड ये इनहेरिटेंस है. अब मॉलिक्यूलर बेसिस क्यों बोला है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, मतलब पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में, डीएनए होता है कि प्रोटीन होता है, कौन सा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल या फिर ये मॉलिक्यूल, दोनों में से कौन सा पास ऑन होता है, दैट वी विल सी नाउ.